अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफके आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। ईद आ गई है और किसका दिल नहीं चाहता कि इस ईद पे हम अपने घर को सजाएं। अगर हम पूरे साल अपने घर पे तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन ईद पे हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वह इस ईद पे अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करें। जितनी हमारी रेंज है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हर औरत की ये कोशिश होती है कि अपनी उस कैपेसिटी में रहते हुए अपने घर को डेकोरेट करें। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन हर औरत की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ईद पे अपने घर को बहुत ज़्यादा सजाऊं। और क्या क्या सजाया है? ज़ाहिर बात है, मैं एफ़ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हूँ, मेरा चैनल है, तो हाथ की बनी हुई चीज़ों से अपने घर को सजाएं तो इससे और ज़्यादा खुशी मिलती है। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था कि जैसे मेरी तरह कोई ख़वातीन अपने घर को सजाना चाहें, गिफ्ट देना चाहें, तो अपने हाथ से बना के दे सकती हैं। तो इसी तरह इस ईद पे भी मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, डेकोरेट किया है। कैसे किया है और कहाँ कहाँ किया है, किन कमरों में किया है, कैसा लग रहा है आप लोग को, वो सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसलिए एंड तक इस वीडियो के साथ रहिएगा और कमेंट में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। चलिए फिर आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने किचन का विज़िट करें। मैं आपको अपना किचन का विज़िट कराती हूँ। ये एक टाइल्स का पीस है। जब हमारा घर बन रहा था तो मेरे किचन में सिर्फ दो ही ऐसे साइज़ के टाइल्स लगे थे, बाकी में सिंपल टाइल्स लगा था। तो ये मेरे कबर्ड में कब से पड़ा था, कब से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई लगा दे, देखें एक ये टाइल्स हमने अपने घर में लगाए, मतलब किचन हमारा इतना बड़ा नहीं है, और एक दूसरा टाइल्स ये था। तो मैं कह रही थी कि भाई ये तीसरे टाइल्स को भी किसी कहीं जगह एडजस्ट कर लें, उन्होंने तो किया नहीं। तो मैंने इसको नीचे यहाँ पे रखा और उसके ऊपर चंद चीज़ें रखी। ये देखिए, मैंने वाटरमेलन स्पून होल्डर बनाया है। और ये बड़े मज़े की चीज़ दिखाती हूँ कि ये तो मैंने प्लास्टिक का जो ऑयल का डब्बा होता है उसको काट के बनाया। और ये रमज़ान में मैं ख़रीद के लेकर आई थी बेसन रखने के लिए, क्योंकि हमारा सिर्फ रमज़ान नहीं, हर महीने हमारा बेसन आता है, क्योंकि बेसन का हलवा जो हम बनाते हैं। तो ये मैंने 300 का लिया। इसकी प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें कि बेसन तो रखने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। बाकी बर्नियाँ बहुत महंगी थी, तो मैंने सस्ते के चक्कर में अच्छी खासी बड़ी बर्नी 300 की ले ली है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने किचन को एडजस्ट किया। और ये एक मेरे पास स्टैंड था जो बहुत गंदा ख़राब सा हो गया था, मैंने उस पर रेड स्प्रे करके इसको नया बना दिया है। और प्यालियाँ रखनी है, प्यालियाँ पहले हमारी कबर्ड में रखी जाती थी तो वो स्पेस घेरता था, तो फिर मैंने ना ये स्टैंड में रख दिया और वो जगह बच गई है कबर्ड के अंदर, तो दूसरी चीज़ें रख सकते हैं। तो प्यालियाँ अब मैंने यहाँ रख दी, जो बड़ा टाइल्स है वो रख के। और ये एक ऑयल रखने का छोटा सा, ये भी मैंने रमज़ान में ही लिया, कुछ चीज़ें मैंने रमज़ान में ली है। ईद पर मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, जो कुछ बनाया है वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। साफियाँ रखने के लिए मैंने एक देखिए स्टैंड दीवार पर ही लगवा लिया, कॉपर कलर का है ये, और पॉट होल्डर और कुछ साफियाँ जो कि शेल्फ़ साफ़ करने के लिए हैं, तो वो मैंने, कैबिनेट भी हम इससे ही साफ़ करते हैं। और ये मैंने अपने कैबिनेट में ये बनाया था कैनवेस, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम केक के प्लेट से किस तरह से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बड़ा जोश था, कि मुझे बहुत शौक था कि मैं ऐसे कैनवेस बनाऊँ। और दूसरे कैबिनेट पर मैंने ये स्ट्रॉबेरी बास्केट बनाया। ये मैंने पूरी वीडियो तैयार है, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आप लोगों को इसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी केक की प्लेट से मैंने तैयार की है, और कैसे किए ये सारी डिटेल आप मेरी उस वीडियो में देख सकती हैं। तो ये चूँकि फ्रूट्स से रिलेटेड था तो इसलिए मैंने अपने किचन के कैबिनेट में ये दोनों कैनवेस लगा दिया। ये सारी चीज़ें मैंने केक की प्लेट से तैयार की है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये मेरा कमरा है, मेरे कमरे पे आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने पेपर क्राफ्ट स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर क्राफ्ट, तो मैंने ये फ़ोटो फ्रेम बनाए थे, मेरे बच्चों की बचपन की तस्वीर और हमारी जवानी की तस्वीर है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं भाई, इसको कमरे में ही रहने दो,
तो मैंने इसको थोड़ा सा गीले ब्रश से मैंने साफ़ कर लिया। अब देखिए बिल्कुल न्यू लग रहा है, मतलब डस्ट बहुत जम गया था बीच बीच में, क्योंकि पेपर क्राफ्ट से मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत हमें एक दो साल पुरानी वीडियो है ये, तो वो मैंने इस दीवार पे लगा दी। और ये मैंने सिर्फ अपने कमरे के लिए बेडशीट ली है, मेरे हस्बैंड ने वाटर पम्प से जाके हमने ये बेडशीट ली थी और बहुत पसंद। बड़े बड़े फूलों वाले डार्क कलर के बेडशीट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो और चूँकि दो हम तकिया यूज़ करते हैं, तो दो गलाफ मैंने अलग से परचेज़ कर लिया था, लाइट स्काई ब्लू, ब्लू से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा लाइट कलर का ले लूँ ताकि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। और गाव है जो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, आप घर में कोई भी नहीं। तो गाव के कवर का बड़ा मसला था कि इससे दो तीन दिन पहले मैं सोची थी क्या करूँ, तो एक मेरे पास ये दुपट्टा रखा था उससे मैंने गाव का कवर स्टिच कर लिया, क्योंकि घर में अगर मैं मार्केट से ले जाऊँ तो दो गाव के कवर मिलेंगे, वो मेरे लिए बेकार है। तो मैंने घर में खुद ही दुपट्टे से गाव का कवर इसी। ये मेरे बेटे का रूम है और ये दरवाजे पे हमेशा मेरा बेटा एक बेल्ट लगवा के रखता है जो हम बिन हाशिम से लेकर आए थे, रेसलिंग की बेल्ट चैम्पियन की, लेकिन मैंने वो हटा के अब इस दफ़ा मैंने स्वान तैयार किया था इटालियन डो के साथ, पर्पल और केक की प्लेट है, उसमें मैंने कलर किया है लाइट ब्लू और स्काई ब्लू, और मैंने पर्पल कलर के स्वान तैयार किया है, गोल्डन पर्ल भी साथ में लगाया है। तो वो मैंने इस दफ़ा बेटे के कमरे में जो दरवाज़ा है वहाँ लगा लिया। ये है मिक्स मीडिया पेंटिंग जो हमने कैनवास पे किया, इसकी वीडियो भी बिल्कुल तैयार है, बस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये मैंने कैनवास अपनी बेटी के रूम में दरवाजे पर लगा दिया है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है ये, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देख ले क्या क्या चीज़ें इसमें, कीलें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में हमारी रखी रहती हैं, देखिए कीज़ है और नट बोल्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बड़ा मज़ा आएगा आपको ये वीडियो देखकर। इसका मैंने कब भी तैयार किया है वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत सारी वीडियो तैयार है, बस ईद के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जिस तरह से कॉपर और गोल्डन कलर में मैंने ये मग तैयार किया, ये मग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बराबर में एक डॉल है वो मैंने इटालियन डो के साथ तैयार किया है, ये भी मग मैंने बनाया है। ये सब चीज़ें मैंने अपनी बेटी को ड्रेसिंग रूम के लिए दे दिया कि वे अपने ब्रशेज़, अपने मेकअप किट वगैरह सब चीज़ें इसमें रख दो ताकि अच्छी लगें और तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल और ज़्यादा इन्हेंस हो, खूबसूरत लगे, तुम्हारी चीज़ एक जगह सेफ़ हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें मेरी बेटी ने प्रोडक्ट मंगवाई है daraz.pk से, वो सारी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी एक महीने बाद, क्योंकि मेरी बेटी का कहना है कि पहले मैं चेक कर लूं कि ये वाकई फ़ायदे की चीज़ है, मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है तो हम सही पे आपको रिव्यू दे सकेंगे। तो उस वीडियो को आप इंतज़ार कीजिएगा। और ये मैंने उसके रूम में ऊपर बल्ब लगा दिया है, क्योंकि जब मेकअप करती हैं तो अंधेरे में समझ में नहीं आता, इसलिए अपना सारा मेकअप का सामान मैंने भी अपनी बेटी के ड्रेसिंग रूम में रख लिया। अपने कमरे में मैंने कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि मैंने कहा एक जगह ही हो जाए, और ये ग्लास मिरर लगा के फिर मैंने ऊपर लाइट भी लगा लिया। ये मैंने एंट्रेंस का जो हमारा दरवाज़ा है वहाँ मैंने ये तैयार किया है, ये भी केक की प्लेट से। ये मैंने पेंटिंग देखी थी जिसको फिर मैंने ये देखिए जाली लगाई है और नीचे इटालियन डो के फ्लावर्स लगाए हैं। तो इस तरह से मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं पेंटिंग तो नहीं कर सकती, हाँ मैं इटालियन डो के फ्लावर से ये कैनवस तैयार कर सकती हूँ। तो ये मैंने फिर एंट्रेंस के दरवाजे पे तैयार किया। अच्छा हाँ, आप लोग से मुझे एक बात पूछनी थी, जब हमारा घर बना था तो इसमें पूरे दरवाजे पे प्लास्टिक रैप किया हुआ, हमारी गलती ये थी कि हमने उस वक्त इस प्लास्टिक को नहीं हटाया, लेकिन डे बाय डे ये प्लास्टिक अब बिल्कुल जम सा गया, हट नहीं रहा है, तो दरवाज़ा हमारा बुरा लगने लगा है। तो इसको किस तरह से हटाया, अगर हम इस तरह से जिस तरह से मैं हटा रही हूँ तो पता नहीं कितना टाइम लगे, और फिर कुछ तो बड़े आसानी के साथ ये प्लास्टिक हट जा रहे हैं और कुछ बड़ी मुश्किल से हट ही नहीं रहा। तो कोई अगर इसका सलूशन है तो प्लीज़ ज़रूर 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 कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या कर सकते हैं हम। अब हम ड्राइंग रूम में एंटर हो रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जाके मार्केट से अल हारून एम्पोरियम से, जो कि बफर जोन में है मेरे ख्याल में, वहाँ से ये कारपेट लेकर आए हैं ब्राउन कलर का, जबकि मुझे कारपेट बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कारपेट हो क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कारपेट बहुत पसंद है, कहते हैं ड्राइंग रूम की शानी कारपेट से होती है। तो ये देखिए ये पूरा वॉल टू वॉल कारपेट लेकर आए हैं, वहाँ से आदमी आया था वो खुद ही सेट करके गया है ये कारपेट, तो बड़ी आसानी के साथ उसने वो सेट करके चला गया, वरना हमें बड़ी मुश्किल होती है, सारी चीज़ें हम उठाते हैं। खैर हमारी इसके लिए सारी चीज़ें हमने कमरे को बिल्कुल खाली किया, उसके बाद ये कारपेट को बिछाया और छोटा सा देखिए हमने बाहर भी लगाया है। अब ये बीच में रखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो ये मेरा बहुत पुराना आपको याद होगा पॉट है, मैंने जल्दी से इसको निकाला, पहले धोया इसको फिर
ब्लैक स्प्रे और फिर गोल्डन एक्रिलिक कलर के साथ इसको रीन्यू कर दिया, और कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे वो मैंने वॉश करके इसमें लगा दिया। अब बताएं कैसा लग रहा है, पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं उसको निकाल के आप रीन्यू कर सकती हैं। और ये आपको पता है सारी चीज़ें मैंने चांद रात के दिन की है, क्योंकि जब मैंने सेटिंग की है तो मुझे कोई जगह खाली लग रही थी, अब क्या करूँ, तो मैंने घर में रखी हुई चीज़ को ही रीन्यू कर दिया के ताकि चीज़ भी हमारी एडजस्ट हो जाए और फिर हमारे घर भी अच्छा लगे। और ये देखें ये फाउंटेन मैंने तैयार किया एक पॉट के ऊपर, ये भी मैंने चांद रात में तैयार किया है क्योंकि मैंने कहा सोचा कि सेंटर टेबल में रखने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। ये मैंने कप बनाया था, इसकी वीडियो बिल्कुल तैयार है, ये भी मैं शेयर करूँगी, बहुत खूबसूरत कप हमने तैयार किया है। ये कुछ कप्स तो मैंने ऐसे ही बनाए थे कि सोचा था कि कहीं इसको एडजस्ट कर लूँगी या गिफ्ट दे दूँगी, तो ये छोटे छोटे मेरे पास मग रखे तो वाइट कलर के, ये मैंने फिरोजी टर्कवाइज और स्काई ब्लू फ्लावर्स के साथ इसको तैयार किया, और एक टेडी बियर जो कि बहुत सारे बलून लेके हैं। ये वीडियो में मैं नहीं बना पा, अगर आपको कुछ सीखना है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को ये चीज़ें सिखाऊंगी। तो ये मैंने चंद चीज़ें और टिश्यू पेपर बॉक्स के साथ मैंने सेंटर टेबल में रख दी हैं चीज़ें, क्योंकि हम तो आम दिनों में इतने बैठते नहीं, ज़्यादा ईद के दिन हमारा ड्राइंग रूम पूरा खुलता है, सब लोग यहीं आके बैठते हैं। तो और फिर मैंने देखें एक कवर लिया है जो कि नेट का कवर है, लेकिन रेगजिन है, प्लास्टिक है, ये भी सब हमने ईद से पहले मैंने ख़रीद के रखा था, लेकिन अब ईद के चांद रात के दिन सब चीज़ें हम सेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने ये फाउंटेन पॉट तैयार किया है। कप्स मेरे पास बने हुए रखे हुए थे तो वो मैंने अपने टेबल के सेंटर टेबल पे सजा दिया। ये देखिए ये मैंने बहुत ही लाइट पिंक कलर का मैंने ये टेबल कवर लिया है। मैंने कहा ना इस दफ़ा ईद पे मैं इतने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीद पाई, लेकिन जो जो चीज़ें घर में रखी थी उससे मैंने अपने घर को सजा लिया। अब आपको एक मैं मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, बल्कि एक यादगार, कि ये पर्दा जो है मेरी शादी जब 1997 में हुई थी तो मेरे कमरे में इस पर्दे को लगाया गया था। बहुत ही खूबसूरत पर्दा है, गोल्डन है, क्रीम कलर का गोल्डन तार है। तो मैंने इसको इस दफ़ा अपने ड्राइंग रूम में सजाया है, और देख के इतनी पुरानी यादें याद आ गई कि वो मेरी शादी के पे मेरी नंदों ने, मेरी सास ने मेरे कमरे में इस पर्दे को लगाया था। तो मैंने ड्राइंग रूम में लगाया है इस दफ़ा, बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ था ऊपर, तो मैंने कहा भाई इसको एडजस्ट तो करना है, और कुछ पुरानी यादें भी आ जाती हैं। बहुत खूबसूरत पर्दा है, बिल्कुल पुराना नहीं लग रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके इंतज़ार। छोटी सी काविश, छोटी सी कोशिश मैंने की है अपने घर को डेकोरेट करने की, आप लोग ने क्या किया है वो भी ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे फेसबुक पेज पे पिक ज़रूर भेजिए, ताकि मुझे भी तो कोई आइडिया मिले आप लोगों से, और नेक्स्ट ईयर मैं भी आप लोगों के आइडियाज से फ़ायदा उठा सकूँ। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।